सो गाइज, अभी हम लोग जाकर के आए हैं चेस्ट का वर्कआउट करके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमने क्या क्या वर्कआउट किया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने की है, थोड़ा सा अलग वर्कआउट था। देखिए, ट्रेडिशनल वर्कआउट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा रेपिटेशन पे ज़्यादा मत फोकस करिए। मेन है आपका मसल और माइंड का कनेक्शन। ट्राई करके देखिए, आंखें बंद करके वर्कआउट करके देखिए, एक बार फील करके देखिए। वेट्स को हैवी लेकर के बॉडी कुछ नहीं बनने वाली। तो आज हम लोग जाने लें चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, पूरा किलर चेस्ट एकदम, बोलते हैं ना, अलग ही। तो मैंने एट द एंड में जो स्ट्रेचिंग है मैं आपको पूरा बता दूंगा। स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्कआउट में, तो प्लीज़ अगर आप लोग इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो इस एंड में मैंने स्ट्रेचिंग बताई है, और जो फिनिशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग चेस्ट में कौन सा रूटीन फॉलो करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिम चलते हैं, फटाफट आपको वर्कआउट बताते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो हम फॉलो करते हैं। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर अपने, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आने वाली है। सो गाइज, आज हम लोग कर रहे हैं चेस्ट का वर्कआउट, और काफ़ी लोगों को ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उनको एकदम ब्रॉड चेस्ट चाहिए होता है, ताकि जो तो बैक और चेस्ट, ये दो जब बड़े मसल्स हो जाते हैं, मतलब चेस्ट तो वैसे छोटा मसल है लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा डालता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके पॉस्चर के ऊपर, और बाकी सारी दूसरी वर्कआउट में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्कआउट में आपका जो चेस्ट है वो काफ़ी अप होता है। तो इस वीडियो में भी आपको अच्छा चेस्ट के बारे में पूरा वर्कआउट बताएगा। तो हमने शुरू किया है इंक्लाइन से, तो इंक्लाइन टारगेट करेगा आपके अपर चेस्ट के ऊपर, जो होता है ऑलमोस्ट शोल्डर से कनेक्ट, और जो सेंटर की लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी आती है अपर चेस्ट की वजह से। उसके बाद में हम बात करेंगे डिक्लाइन के लिए। डिक्लाइन में भी आपको बहुत ही अच्छा देने वाला है, लोअर वाला जो आपका आता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है लोअर चेस्ट। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक ब्रॉड एंड ऑल, तो ये वर्कआउट आप फॉलो करिए। तो हमने लिया है 3 सेट हर चीज़ का, और जो रेपिटेशन है वो लगभग 12 से 15 की है। और ट्राई करिए, इसमें आपका जो रेंज है वो पूरा नीचे से लेकर पूरा ऊपर है। जब आप नीचे जा रहे हैं तो स्लो जाइए, जितना आप स्लो हो सकता है उतना जाइए स्लो, लेकिन जब आप ऊपर आ रहे हैं तब फास्ट आइए। तो इस रूटीन को फॉलो करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई किया। तो जब आप नीचे आएंगे स्लो आना है आपको, और जब आप ऊपर जाएंगे आपको फास्ट जाना है। तो ये आपको 12 से लेकर के 15 के बीच में रेपिटेशंस करने हैं। उसके बाद जो हमने किया है वो है फ्लैट। फ्लैट में आपको डंबल से मैंने स्टार्ट किया है, डंबल में आप थोड़ा सा हैवी जाइए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसको भी मैं अब आपको 4 सेट लेने हैं, और जो रेपिटेशंस होगा वो 10 से लेकर के 15 तक होगा। तो रेपिटेशन जो होगा ये 10 से लेकर के 15 होगा, और जो लास्ट में मैंने किया है जो मेरा फिनिशर है, वैसे अगर आप लेना चाहें तो फ्लाई भी ले सकते हैं। तो अगर आप केबल फ्लाई या मशीन फ्लाई, ये दोनों में से कोई ले सकते हैं। 3 सेट लीजिएगा मेन वाले, और उसके बाद अगर लास्ट में, प्लीज़ जब भी आप चेस्ट मारें इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा कि आप जो पुशअप्स करें, तो मैंने यहाँ पे टोटल किए हैं 50 पुशअप्स। तो इनमें जो था कि एक वाइड थोड़ा ज़्यादा था, और एक सेंटर जो हमारे शोल्डर के लेवल का, तो ये काफ़ी अच्छा फिनिशर हो जाता है। आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए बहुत बोलते हैं, एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो स्ट्रेचिंग का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 5 से 7 मिनट रखिएगा। अच्छे से स्ट्रेच करिए जो भी आपने वर्कआउट को टारगेट किया है, तो जो भी आपने मसल्स को टारगेट किया उनको पूरा स्ट्रेच करिए, ताकि कोई पेन बचा ना रहे। और अच्छा खाइए, स्लीप अच्छे से लीजिए, ताकि आपकी मसल जल्दी जल्दी रिकवर हो। और ऐसे ही वीडियोस हमारे देखते रहिए। आपको कैसे लग रही है वीडियोस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है हर एक बॉडी पार्ट के लिए? तो मैंने किसी किसी बॉडी पार्ट के बीच में हम कुछ कुछ मारते हैं, तो अगर आप चेस्ट मार रहे हैं उसी दिन पॉसिबल तो ट्राइसेप भी मार लीजिए अगर आपका समय है। अगर नहीं है तो बाइसेप के साथ आप ट्राइसेप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप एब्स भी मार सकते हैं चेस्ट के दिन ही। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।